हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मर्दल क्लासेस में। दोस्तों, बात करेंगे JNU जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के BA BSc BCom फाइनल ईयर के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और MSc MCom फाइनल ईयर के भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आप किस प्रकार से प्रवेश पत्र डाउनलोड करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। सबसे पहले दोस्तों, जयनारायण व्यास की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। JNVU टाइप करना गूगल पे जा कर के और उसके बाद में आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद में आपको वेबसाइट पे आ जाना। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आने के बाद में नीचे आ जाना दोस्तों। यहाँ पर सबसे नीचे आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये दिया गया ना एडमिट कार्ड वाला, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग से वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ बीए तृतीय वर्ष, बीबीए तृतीय वर्ष, बीसीए तृतीय वर्ष, बीकॉम तृतीय वर्ष, तो ये बीएससी तृतीय वर्ष, तो ये सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रपत्र संख्या आपको डालनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन संख्या या आपका रोल नंबर वगैरह है तो वो यहाँ पे डाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके PDF फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के BA BSc BCom फाइनल ईयर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।